और इसी के साथ खबरों की ओर करेंगे। लंबे समय से सुर्खियों में चल रहे डॉक्टर पंकज भूतड़ा के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल छिंदवाड़ा के पीड़ित जैन परिवार ने डॉक्टर पंकज भूतड़ा के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैया और आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही चिकित्सा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा से की गई थी। दरअसल कोविड संक्रमण के चलते छिंदवाड़ा के जैन परिवार ने उनके घर के एक सदस्य को बालाजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान भर्ती मरीज की मृत्यु हो गई थी। वहीं मरीज के परिजनों ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर पंकज भूतड़ा के खिलाफ घोर लापरवाही करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच CSP छिंदवाड़ा को सौंपी है, जिसमें पुलिस ने बालाजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर पंकज भूतड़ा के खिलाफ कई धाराओं में मामला कायम कर लिया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा संजीव उइके ने कहा कि पीड़ित जैन परिवार की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर पंकज भूतड़ा के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जल्द ही फरार आरोपी डॉक्टर पंकज भूतड़ा की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सतीश कुमार जैन को 13 अप्रैल को कोविड डिटेक्ट हुआ, हमने बालाजी अस्पताल में यह जानकारी दी। डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन बहुत कम है, सिर्फ 6 CT वैल्यू है, मरीज जल्दी रिकवर हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। 25 तारीख तक झूठा दिलासा देकर डॉक्टर ने हमसे बहुत सारे पैसे ऐठे, हमें झूठा आश्वासन दिया। और 25 तारीख को हमने जब CT स्कैन कराया तब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था और 26 को उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि आज विजयदशमी है, जो कि असत्य पे सत्य की जीत हुई है, मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया है, रैंडम ऑक्सीजन डाली है, रैंडम ब्लड प्रेशर डाला है, ये सबका उसे भारी भरपाई पे करनी पड़े। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस घटना के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ पूरी पुलिस टीम का बहुत सारा सहयोग प्राप्त हुआ। डॉक्टर SP सर विवेक अग्रवाल को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर की गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और मेरे परिवार को जल्दी से इंसाफ प्राप्त हो। मेरे भाई को कोविड के कारण 6% CT वैल्यू में इनके यहाँ एडमिट किया गया। वो डॉक्टर साहब का कहना था कि ये बहुत जल्दी रिकवर होके और जल्दी स्वस्थ होके घर वापस हो जाएंगे, पर इनकी लापरवाही पूर्वक इलाज होने के कारण वहाँ पेशेंट तापर स्थिति में स्वस्थ नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। उस संबंध में हमने SP साहब को उसकी शिकायत दर्ज की थी। उस संबंध में SP साहब ने तत्वों की जांच करा के उन पर FIR की गई है और हम पीड़ित पक्षकार शासन प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कृत कभी कोई किसी परिवार के बीच में ना हो, इसलिए इन पर त्वरित कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। बालाजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पंकज भूतड़ा, उनके खिलाफ एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उसमें जो है इनके द्वारा फाल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए थे और गलत तरीके से जो है इलाज भी किया गया था। संबंध में जांच जो है CSP साहब को दी गई थी और CSP साहब द्वारा ये पाया गया जाँच में कि जो है उनके द्वारा लापरवाही की गई है। उस बेस पर जो है कल कोतवाली थाने में पंकज भूतड़ा के खिलाफ 420 467 468 470 का मामला पंजीबद्ध हुआ है और शीघ्र ही हम जो है। बता दें कि लंबे समय से सुर्खियों में चल रहे डॉक्टर पंकज भूतड़ा के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल छिंदवाड़ा के पीड़ित जैन परिवार ने डॉक्टर पंकज भूतड़ा के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैया और आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही चिकित्सा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा से की गई थी। दरअसल कोविड संक्रमण के चलते छिंदवाड़ा के जैन परिवार ने उनके घर के एक सदस्य को बालाजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसी खबर पर जानकारी के लिए छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अतुल गजवी जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है पूरी जानकारी, जहां बालाजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर पंकज पर कई आरोप लगे हैं, लापरवाही का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई है? जी ऋषभ, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये तकरीबन 3 से 4 महीने पुरानी बात है। ये जो जैन परिवार पीड़ित परिवार है, ये बालाजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर भूतड़ा पर पिछले कई दिनों से आरोप लगाते आ रहे हैं कि इन्होंने जो इलाज के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन थे, जो उनके चिकित्सकीय डॉक्यूमेंटेशन थे, उनके साथ मैनिपुलेशन किया, उसके साथ छेड़छाड़ किया
और जो उपचार के दौरान लापरवाही बरती, घोर लापरवाही बरती, पैसे का भी इन्होंने आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने की नीयत से डॉक्टर ने इनको भ्रमित करता रहा है, और इस तरह की सारे जो आरोप इनके द्वारा, परिवार के द्वारा डॉक्टर पर लगाए जा रहे थे। ये मामला बीच में मीडिया का सुर्खियों में भी रहा बहुत ज्यादा, ये सुर्खियों का केंद्र बना रहा, तमाम अखबारों ने, मीडिया के न्यूज चैनल्स ने भी इस बात को उठाया था। अंततः पुलिस ने इस पर कल मामले को देखते हुए FIR दर्ज कर ली है, और अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट है उसको लेकर के जो मैंने एडिशनल SP से सुबह बात करी, उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो आरोपी डॉक्टर है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अभी पुलिस ने दावा किया कि हम बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। ऋषभ जी बिल्कुल, अपनी जानकारी दी कि डॉक्टर जो है वो फरार बताया जा रहा है, मामला और गंभीर हो जाता है। बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो मामले में बड़ी गंभीरता आ जाती है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी, क्या कुछ पुलिस ने योजना बनाई है? जी देखिए ऋषभ, मैं अभी इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो बालाजी अस्पताल है छिंदवाड़ा का, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, विवादित रहता है, क्योंकि बीच में कोविड संक्रमण काल के दौरान 6 रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए भी इनके अस्पताल के एक व्यक्ति को पकड़ा था पुलिस ने, और तब भी ये बहुत ज्यादा विवादों में और सुर्खियों में आया था। तब से ये पुलिस की रडार पर था, उसमें भी जांच और इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबे समय तक के चली, और उसके बाद जैसे ये जैन परिवार के एक व्यक्ति, जैन परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि डॉक्टर पंकज भूतड़ा ने पैसे लेने की नीयत से, पैसे ऐंठने की नीयत से इलाज में घोर लापरवाही बरती, और इस तरह की सारी चीजों को लेकर के जो परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, पुलिस ने इसकी जांच CSP को सौंपी। CSP ने मामले में गंभीरता और निष्पक्षता दिखाते हुए कार्रवाई की और FIR में विभिन्न धाराओं में अभी फिलहाल दर्ज कर ली है। ऋषभ जी अतुल, ऐसे में FIR दर्ज कर ली गई है, कई आरोप यहां पर डॉक्टर पे लगते रहे हैं, पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा हो पाया है, या जो पुलिस है कार्रवाई में आगे खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, मेरी एडिशनल SP से सुबह बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अभी मामले को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ले लिया है, हो सकता है कि जांच का दायरा और बढ़े, ये कार्रवाई थोड़ी और डेवलप हो सकती है, इसमें हो सकता है कि और भी लोगों के नाम शामिल किए जा सकते हैं, ऐसी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। पर प्रथम दृष्टया अभी आज की जो ताजा अपडेट है उसमें जो बालाजी अस्पताल का जो संचालक है आरोपी डॉक्टर पंकज भूतड़ा, उसके खिलाफ मामला कायम कर लिया गया है। ऋषभ जी बिल्कुल, ऐसे इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों को क्या कुछ कहना है? जी मैंने परिवार से बात करी है, परिवार में जो मृतक की बेटी आस्था, उनका कहना है कि उन्होंने तो सीधे तौर पर बालाजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर भूतला पर हत्या करने जैसा संगीन आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है मेरे पिताजी की वहां पर हत्या की गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, उन्होंने जो ऑक्सीजन भी रैंडमली लगाई गई है, ऐसी तमाम तरह के जो आरोप है आस्था के द्वारा लगाए गए। वहीं मृतक के भाई सुनील से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि डॉक्टर ने पैसे ऐंठने की नीयत से पहले दिन से उनको मैनिपुलेट किया है, और जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी मैनिपुलेशन किया, इस तरह के तमाम जो आरोप है वो डॉक्टर पर परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा है कि मामले में पुलिस ने थोड़ी सी निष्पक्षता दिखाई है, और चूंकि एक रसूखदार डॉक्टर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, जिससे बाकी डॉक्टरों को भी सबक मिलने की पूरी संभावना है। ऋषभ जी बिल्कुल अतुल, ऐसे में कोरोना काल रहा है, डॉक्टरों की बड़ी अहम भूमिका हो गई थी, लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, वैसे मामले में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कम होती है। फिलहाल अतुल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको खबर बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां लंबे समय से सुर्खियों में चल रहे डॉक्टर पंकज भूतड़ा के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।